खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अगर आप भी देना चाहते हैं कोई खबर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्क। अलीगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर एएमयू के बगल में बनने वाले एक नए विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद रहे। यहां मोदी ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के मॉडल का अवलोकन किया। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास है कि 1.5 गुना एमएसपी हो, किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार, बीमा योजना में सुधार और 3,000 रुपये की पेंशन की व्यवस्था, ऐसे अनेक फैसले छोटे किसानों को सशक्त कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी निवेश की पहली पसंद बना है। योगी जी की टीम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आगे बढ़ा रही है। यूपी को पहले विकास में रुकावट के रूप में देखा जाता था, वहीं देश के बड़े अभियानों में ये सबसे आगे है। मोदी ने कहा कि 2017 से पहले गरीबों की हर योजना में रोड़े अटकाए जाते थे। एक एक योजना लागू करने के लिए दर्जनों बार चिट्ठी भी लिखनी पड़ती थी। पहले यहाँ घोटाले होते थे, भ्रष्टाचार चरम पर था। आज योगी जी की सरकार ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रही है। पीएम ने कहा कि पहले यहाँ शासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। पश्चिमी यूपी में पहले पलायन का माहौल था, लेकिन अब यूपी में ऐसा नहीं होता है। पीएम मोदी ने कहा कि महाराजा सुहेल देव जी हों, छोटू राम जी या फिर राजा महेंद्र सिंह जी, नई पीढ़ी को इनसे परिचित कराने का काम हो रहा है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इन कोशिशों को और गति दी जा रही है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। सब्सक्राइब करें एबी न्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल अपडेट।